हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ए एस ऑटो। तो आज मेरे साथ कैन बी दा है। कैन बी दा, प्लीज़ गिव मी योर इंट्रोडक्शन। हेलो गाइस, मेरा नाम SS है, लोग मुझे कैन बी लाइफस्टाइल के नाम से जानते हैं। एंड मैं यूट्यूब में धार्मिक वीडियोस बनाता हूँ, फन वीडियोस जैसे कि व्लॉगिंग, प्रैंक्स वगैरह बनाता हूँ। और व्लॉग के साथ, यूट्यूब के साथ आई एम ए कार एंथुजिएस्ट एज वेल। मैं एक बोल सकते हो आप, मैं एक ऑटो फ्रीक हूँ, मतलब गाड़ी में चेंज करता रहता हूँ, बाइक में चेंज करता रहता हूँ। तो आज भैया ने मुझे बोला कि मेरे ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में, अबाउट माई सुपर्ब, तो मैंने बोला ठीक है आ जाओ कर लेते हैं बढ़िया से। ओके, तो कैन बी दे, आपने कब परचेस किया था कार? ये कार मैंने परचेस करा था 2018 में। ओके, पेट्रोल और डीजल? दिस इज अ डीजल कार। ओ डीजल, तो डीजल क्यों लिया आपने, मतलब बहुत ट्रैवल है आपका? जी डीजल, एक्चुअली मैंने डीजल इसीलिए लिया, पहला बात तो डीजल में जो इसका माइलेज है वो बढ़िया आता है। उसके बाद आई एम ए डीजल लवर। मेरे पास इससे पहले भी एक पसाट थी, फोक्सवैगन पसाट, वो भी डीजल में ही थी, तो मुझे पेट्रोल उतना खास नहीं लगता है। आई लव डीजल्स, तो इसीलिए डीजल। और रनिंग भी मेरा काफ़ी है, मतलब दिन का 100 किलोमीटर तो है ही है। ओके, विच वेरिएंट? दिस इज स्कोडा सुपर PDI एलिगेंस, मतलब हाई मॉडल, टॉप मॉडल है, पुश बटन वगैरह सब कुछ है। ओके, ऑन रोड कितना पड़ गया था आपको? एक्चुअली मैंने ये प्री ओन लिया था, तो मुझे ऑन रोड इसका लगभग 2018 में 15 लाख पड़ा था। ओह, तो वाई सुपर्ब? बिकॉज इससे पहले मेरे पास पसाट थी, और जिन्हें पता है कि सुपर्ब पसाट एक ही लेवल की गाड़ी है, ऑडी वगैरह उनका इंजन यूज़ होता है, तो इनका जो फील है ना चलाने का, फिर ड्राइविंग का, फिर पैसेंजर स्पेस, पसाट इससे पहले मेरे पास थी, उसमें एक प्रॉब्लम था, उसमें स्पेस कम था, और सुपर्ब में यू नो लॉट्स ऑफ स्पेस ओवर देयर, और आप बढ़िया से कंफर्टेबली जा सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, और स्पेस का कोई इशू नहीं है। उसके ऊपर से परफॉर्मेंस अनबिलीवेबल, पैडल में पाव देने से एकदम रॉकेट बन जाती है गाड़ी। 0 to 100 कितना सेकेंड्स में होता है? मैंने 0 to 100 में, ऐसे मैं स्पीडिंग रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ तो 0 to 100 ये 6 सेकेंड में हो जाती है। ओह, बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। और मैंने इसको थोड़ा सा ट्यून भी करा है। क्या ट्यून किया आपने? थोड़ा सा इंजन में थोड़ा सा मैंने ट्यून करा है, जिसका रिमैपिंग किया है आपने? हाँ, रिमैपिंग किया है जी। हाँ, इसमें अभी क्या है, इसमें नॉर्मली 9 सेकंड में 0 to 100 होती थी, तो ट्यून करने के बाद ये 6 सेकंड में हो जाती है। ओके, मतलब आपने मॉडिफाई भी किया है कार जी, को? जी जी, थोड़ा सा। ओके, क्योंकि मुझे ज़्यादा हॉर्सेस पसंद है मेरे गाड़ियों में। ओके ओके, तो जर्मन कार बहुत लोग नहीं लेते क्योंकि सर्विस कॉस्ट के लिए, तो आप क्या बोलना चाहोगे? बेसिकली ये मिथ है, मैं यही बोलना चाहूँगा, बेसिकली ये मिथ है, सर्विस कॉस्ट ये सब वगैरह सब कुछ मिथ है, क्योंकि एक्चुअली लोग सोचते हैं कि मारुति का लूँगा या फिर हुंडई का लूँगा तो मुझे सर्विस कॉस्ट कम आएगा। हाँ जी, आप ये बोल सकते हो 1000, 2000, 3000, 5000 ज़्यादा आता है, लेकिन जो आपको फील मिलता है ना, एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो अनमैचेबल है, आप मैच नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से अगर 5000 देके अगर मुझे फील बढ़िया आ रहा है, मुझे एक्सपीरियंस बढ़िया मिल रहा है, तो व्हाई नॉट। ओके, पॉजिटिव्स क्या है कार का? पॉजिटिव्स लाइक गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस के हिसाब से इसका माइलेज भी बहुत बढ़िया है। वैसे मैं कभी माइलेज देखा नहीं हूँ आज तक, लेकिन लोग बोलते हैं 12 से ऊपर ही देता है। नेगेटिव्स क्या है कार का? कार के नेगेटिव्स है जैसे कि स्कोडा, यू नो स्कोडा का इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ा सा इशू आता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में, इसमें भी आया था थोड़ा सा, तो स्कोडा का जो पार्ट्स है वो मिलने में थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि आप नॉर्मली हुंडई, होंडा, मारुति का पार्ट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन इस गाड़ी का पार्ट्स मिलना बहुत ही मुश्किल है, अगर मिल भी जाती है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। वैसे हमारे CC मैकेनिक जो वेबसाइट है उधर से आप इजीली पार्ट्स मंगा सकते हो, तो मेरे लिए ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन बेसिकली इसका पार्ट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है और एक्सपेंसिव भी है थोड़ा सा। वी विल प्रोवाइड यू द लिंक। या फॉर श्योर, फॉर श्योर। तो स्टेयरिंग फीडबैक कैसा है? अमेजिंग, इट्स अनमैचेबल। मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई है, मतलब इसके साथ मैं कंपेयर कर सकती हूँ BMW 5 सीरीज, अनमैचेबल। जो लोग सुपर ओन करते हैं उनको पता होगा कि सुपर या फिर पसाट कि सुपर कैसी गाड़ी है और इसका स्टेयरिंग फीडबैक कैसा है, अनमैचेबल। स्पीड कितना लिया है? वैसे मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन जस्ट फॉर टेस्ट मैं NH19 जो कि इधर से हाईवे, आपको पता है हाईवे पे, हाईवे पे अगर कभी गए हो आप तो NH19 में मैं गया था, तो मेरा हाई स्पीड था 240। इतना चल जाता है पूरा? एकदम 270 का स्पीड है, 240 आराम से क्रॉस करा था, फिर मैं मुझे लगा कि इतना स्पीड सही नहीं है। मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा वैसे, लेकिन हाँ जस्ट फॉर टेस्ट मैंने इसको 240 तक खींचा हूँ और ये आराम से जाते हैं 240। कार का ब्रेक रिस्पॉन्स कैसा है?
अमेजिंग। इसका नेगेटिव मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही कम नेगेटिव्स हैं। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है जी, जैसे कि देख सकते हो। फिर मैंने इसमें टायर्स का जो वेट है उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया ताकि मुझे ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा मिले। जैसे कि आप देख सकते हो 205/65 R16, मैंने ये 55 थी तो मैंने इसको 65 कराया। ओके, दिस इज़ ब्रांड न्यू C8 टायर्स। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाएगा। और बहुत सारा खास फीचर्स है, जैसे कि ये इसका बूट खुला हुआ है नॉर्मली, ऐसे भी बूट खुलता है इसका, बहुत गंदा है मत देखना ठीक है। और इसको आप और एक तरीके से खोल सकते हैं, ये एज ए हैच भी ओपन हो जाती है तो इसमें आप खुद को भी समा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेसिस देख सकते हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों इसमें और एक फीचर्स है, एक ऐसा फीचर्स है जो आई थिंक बहुत लोगों के लिए काम का है और बहुत लोगों का काम का नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत काम का है। जब धूप में गाड़ी रहती है तो अब इसका की में ऐसे जब इसको प्रेस करते हो, लॉन्ग प्रेस करते हो, तो इस चारों विंडोज़ अपने आप उतर जाती है। अगर आप फिर से लॉन्ग प्रेस करोगे फिर से लग गई। कैसा है कार का कैबिन नॉइस, चला ले तो आप देख लो थोड़ा सा। ओके, चलाओ क्या, थोड़ा डेज कर दो फिर हो जाएगा ना। डीजल के लिए मेरे को लगता ठीक ही है। आपको समझ नहीं आएगा वैसे बेसिकली ये सनरूफ। ये आपको सनरूफ मिल जाती है, ये सब कंट्रोल कर सकते हो सनरूफ का सारा कुछ, यहाँ से सब कुछ हो जाता है। ये आपका सनग्लास होल्डर, इधर आप सनग्लास रख सकते हो, हर एक कंफर्ट का ख्याल रखा गया है। मतलब जो बंदा ये गाड़ी चला था सनग्लास पहने गए ना। ये आपका लाइट्स, रीडिंग लाइट्स, ये आपके स्पीकर्स, इधर से आपको माइक्रोफोन, अगर फोन में बात कर रहे हो गाड़ी के साथ कनेक्टेड है, ये आपके माइक्रोफोन है। ओके, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। नहीं, ऑटोमेटिक IRVM है जी, ये ऑटो डिमिंग है, ये इधर से आप कर सकते हो, रात को आपको दिखाई देगी कोई दिक्कत। अगर हेडलाइट जैसे क्या होता ना, बहुत टाइम हाईवे पे डायरेक्ट हेडलाइट का जो रोशनी आती है ना, तो इससे आप अगर ये करोगे ऑन तो आपके आँखों पे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, आप आराम से गाड़ी चला सकते हो। ये आपका क्या बोलते हैं, स्टीरियो सिस्टम बोलते हैं इसको, वेलकम टू स्कोडा। ये थोड़ा सा गंदा है, इसमें एप्पल कनेक्ट सब कुछ है? नहीं, वो आपको नहीं मिलेगी, आपको इसमें ब्लूटूथ, इसमें CD चेंजेस वगैरह सारा कुछ मिल जाएगी, रेडियो मीडिया। उस टाइम में एप्पल कार प्ले वगैरह नहीं आते थे, दिस इज अ 2014 मॉडल। ओके, फिर ये वाला आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है जी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, ये आप ऑफ कर सकते हो, ड्यूअल क्लाइमेट है दोनों का साइड में। अगर जैसे कि इसको अगर आप ऑन करोगे AC चला के, तो आप एक काम कर सकते हो, अपना तरफ ये टेम्परेचर कर सकते हो और मेरे तरफ मैं अपना हिसाब से कर सकता हूँ। ये तो लग्जरी कार्स में रहता है ये, दिस इज मैं आपको बोला था कि ये आप लग्जरी गाड़ी के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो, सब फीचर्स आपको सिर्फ फीचर्स मिल जाते हैं। ये आपके हैंडरेस्ट आते हैं, इधर हैंडरेस्ट के अंदर बहुत स्पेस है, जैसे कि देख सकते हो इधर आपको ऑक्स मिल जाती है, आप डायरेक्ट इधर से कनेक्ट करके ऑक्स गाना चला सकते हो। आपको सेफ्टी, मतलब आप मान लो इसमें करीबन 8 एयरबैग है, इधर एक एयरबैग है, पिलर में एयरबैग है, सीट्स में भी एयरबैग मिलते हैं आपको। ये देखिए एयरबैग इधर भी लिखा हुआ है, इसमें भी आपको एयरबैग मिलते हैं, पीछे भी आपके उस पिलर में भी एयरबैग है, मतलब भरे पड़े हैं, सेफ्टी वाइज नो इशू। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है यू कैन कंपेयर द क्लासिक थर्ड। यस, आपके कार में सनरूफ है तो आपको ये कितने इफेक्टिव लगता है? बेसिकली लोग बोलते हैं कि सनरूफ का ज़्यादा काम नहीं है, लोग बोलते हैं कि सनरूफ ज़्यादा काम का नहीं है, मैं कभी भी खोलता, लेकिन मेरे लिए मैं ऑलमोस्ट हर 2 दिन में सनरूफ खोलता हूँ। अभी जैसे कि देख सकते हो बाहर मौसम बहुत अच्छा है, लॉन्ग ड्राइव में जब जाता हूँ मैं तो ऑब्वियसली इसका फील अलग है। जब बारिश होती है सबसे मस्त लगती है, जब बारिश होती है इसको जब हटा देते हो इस मूनरूफ को, इसको आप कवर कर सकते हो, इसको हैंड से हटा सकते हो आप, हटा करके इसके ऊपर जब बारिश आती है ना तो अलग ही फील आता है इसका। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज नॉट अ प्लास्टिक, मुझे पता नहीं क्या मटेरियल है, लेकिन आप इसको टच कर सकते, सॉफ्ट टच बोलते हैं। यस, दिस इज सॉफ्ट टच, ऑब्वियसली दिस इज सॉफ्ट टच, एंड ये भी सॉफ्ट टच है, आपका इधर भी कोई भी प्लास्टिक नहीं है, ये कुछ भी प्लास्टिक का नहीं है, ये पूरा ही सॉफ्ट टच है। ये इटली बेसिकली ये सिर्फ आपका प्लास्टिक मिलता है एक लग्जरी गाड़ी में जो आती है, पूरा वुडन फिनिश इधर तक आपका यहाँ तक आ जाती है, वुडन फिनिश उधर भी है। ये क्लासिक डोर लॉक इधर मिल जाती है आपको, इधर सब लॉक कर सकते हो ये गाड़ी, इधर में भी है एक जैसा है, हाँ उधर सेम पूरा गाड़ी लॉक हो जाए। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, इससे बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है,
ये बहुत ही कम बजट में आपको बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, मतलब फेबुलस। जो लोग सुपर ओन कर चुके हैं या फिर करते हैं उन लोगों को पता होगा। तो आपको क्या लगता है सुपर का इतना प्राइस है क्या ठीक है, जस्टिफाई करता है? देखिए अभी बेसिकली सुपर अगर आप ब्रांड न्यू लेने जाओगे, सुपर का जो नया शेप आया DRL का साथ, दिस इज सिक, मतलब ऑब्वियसली आप खुद भी जानते हो ना, तो वो सिक है। लेकिन मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो गो फॉर यूज्ड कार, एंड न्यू कार अगर आप जा रहे हो, मुझे मेरे हिसाब से जस्टिफाई ये करता है, ऑब्वियसली 100% जस्टिफाई करता है। और बेसिकली इंडिया में इसका इतना सेल्स नहीं है, पर मेरे हिसाब से जो लोग थोड़ा सा डिफरेंट चाहते हैं, थोड़ा सा अलग कुछ चाहते हैं, अलग टेस्ट चाहते हैं, गो फॉर सुपर, उनको हर एक फीचर, लग्जरी, रुतबा, सब कुछ मिलेगा गाड़ी, मतलब कंफर्ट लग्जरी के लिए कार है पूरा A to Z। अगर आपको परफॉर्मेंस, लग्जरी, कंफर्ट, रुतबा चाहिए तो गो फॉर सुपर। जी इसका जो फील अलग ही है, मतलब यू कांट कंपेयर इसके साथ, आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते इसको। तो बहुत सारा इसमें फीचर्स है जो कि मुझे खुद भी नहीं पता है, इधर भी बहुत सारा फीचर्स है, जैसे कि सीट का मेमोरी सीट सबको मिल जाती है उधर। ओके, मेमोरी सीट मतलब ड्राइवर में भी है, को पैसेंजर में भी है? पैसेंजर्स में भी है, मेमोरी सीट आपको मिल जाती है, मसाजिंग सब कुछ है इसमें। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू कैनविदा फॉर गिविंग मी द कार। थैंक यू सो मच AS ऑटोस, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर माई साइड। एंड मेरे एक बहुत बहुत ही बढ़िया दोस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बॉम्बे से है, वो भी गाड़ियों का रिव्यू करते हैं, वो उन्होंने भी ऐसे शुरू किया था, चालू करा था, और अभी वो बहुत ही ऊपर लेवल में है। एंड मैं आपके लिए भी बहुत सारा लक देना चाहूँगा, आपको भी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत भाई लिटरली नोट पैड में लिख के आए क्वेश्चन वगैरह, तो ये बहुत ही मेहनत वाला काम है। मैंने एक घंटे पहले मैंने इनको फ़ोन करा था कि भैया आज मैं फ्री हूँ, आप आ जाओ, तो ये उसी टाइम में पूरा लिख करके आ गए।